हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। बीजेपी की तरफ से अनिल जैन इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहां आपको ले चलते हैं। साथ ही साथ ऐसे कार्यक्रमों के चित्र, फोटोग्राफ्स और उस पर कमेंट्स इंडिया सपोर्ट्स CA हैशटैग इंडिया सपोर्ट CA पर डालेंगे, ऐसा आग्रह करने वाले हैं। अब घर घर संपर्क के दौरान एक छोटा फ्लायर या हैंडबिल पैम्पलेट, इसको लेकर उनके साथ में स्पष्टता हो और उनके सवालों का जवाब हम दें, इस प्रकार की योजना है। तो घर घर संपर्क का लॉन्च 5 तारीख को माननीय अमित शाह जी दिल्ली से करेंगे और सभी वरिष्ठ नेता, अन्य अन्य स्थानों पर सभी केंद्रीय मंत्री, सभी माननीय मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत करेंगे। अपने मैं अभी इसकी सूची क्या है, अमित शाह जी दिल्ली रहेंगे, अभी वो उसका स्थान और किस जगह समय वो आपको अभी प्रेषित कर देंगे, उसकी व्हाट्सएप आ जाएगा आपके पास, उसका समाचार आ जाएगा। और अभी सब जगह स्टेट्स को कहा है कि वहां के कार्यक्रम का स्वरूप हमने एक स्वरूप बता दिया है और वो वहां तय करेंगे। साथियों, मुझे एक बात और आपके साथ में साझा करनी थी कि आखिर ऐसे सब कार्यक्रमों की आवश्यकता क्यों पड़ी है, ये एक बहुत रिलेवेंट बात है, वो मैं अपनी तरफ से कहता हूं, फिर बाकी आपको जो पूछना होगा पूछिएगा। कि मैं बड़ी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसके इसकी पूरी स्पष्टता माननीय गृहमंत्री जी ने जब सदन में इस बिल को रखा, लोकसभा राज्यसभा में की थी, इसके बावजूद इसको शरारतपूर्ण ढंग से अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कांग्रेस पार्टी और ऐसी अन्य पार्टियां जिन्होंने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए एक मानवतावादी अति महत्वपूर्ण कदम का इस प्रकार से भ्रांति फैलाने का काम किया जैसे कि यह किसी के खिलाफ हो। शर्म आती है ऐसे लोगों की बात करते में, जो जुल्म के सताए लोग जिनकी गलती नहीं थी, गलती उनकी थी जिन्होंने धर्म के आधार पर बंटवारा स्वीकार किया था, उनको पता भी नहीं था कि वो कब विदेशी हो गए और कब अल्पसंख्यक हो गए। ऐसे लोगों के ऊपर लगातार विभाजन के बाद से जुल्म किए गए, सारी दुनिया जिसको मानती है उसको हमारे ये कांग्रेस के नेता और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये एक तरह से संवेदनशीलता गिरने की हद होती है, ये पशुता की श्रेणी में आता है। इतनी संवेदनशीलता नहीं कि जो भाई बहन हमारे अपने थे, हमारे जिनकी कोई गलती नहीं थी, वो विदेशी हो गए, अल्पसंख्यक हो गए और उन पर लगातार जुल्म ढाए गए, अब वो जब यहां आते हैं और आ चुके हैं और नारकीय जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोगों को नागरिकता देने का, विरोध करने का कोई भी कैसे साहस कर सकता है, ये एक बड़ी विडंबना है। कांग्रेस पार्टी कैसे ये कर सकती है, जिस चीज को प्रीएम्प्ट किया था माननीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, इसको प्रीएम्प्ट किया था उन्होंने, गांधी जी ने 26 सितंबर 1947 को स्पष्टता के साथ कहा था कि जो गैर मुस्लिम, हिंदू और सिख, अगर वो विभाजन के बाद वहां रह गए हैं और अल्पसंख्यक हैं, वो अब आना चाहें अब आए या जब आना चाहेंगे तब आए, भारत सरकार का कर्तव्य है कि उनकी नौकरी पेशा, उनके जीवन की, उनकी नागरिकता की चिंता करे। और इसी चीज को 25 नवंबर 1947 में कांग्रेस के अधिवेशन में पास किया गया। 15 जनवरी 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कोलकाता में भाषण में कहा कि जो हमारा पार्ट है, दे आर ब्लड ऑफ अस, और वो किन्हीं कारणों से उधर रह गए हैं तो वो पराए नहीं है, वो हमारे अपने हैं, उनकी सब प्रकार की चिंता उनकी अभी और भविष्य में, ये हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य है। इसको किया मनमोहन सिंह जी ने, इस बात को उठाया। आज ये कांग्रेस के लोग राजनीति में इतने अंधे हो गए हैं कि इस मानवीयता के कार्य, इस स्टेप का
स्वागत करने की बजाय उनकी गलती को इस भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने ठीक किया है, उसका स्वागत करने की बजाय इसका विरोध करने खड़े और देश का वातावरण अराजकतापूर्ण वातावरण करने की कोशिश कर रहे हैं और देश का वातावरण खराब करके अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। संवेदनशीलता इनकी कहां मर गई है, पशुता की हद तक यह संवेदनशीलता आ गई। जो जुल्म के ढाए लोग शिकार लोग उनको अगर भारतीय जनता पार्टी की ये केंद्र सरकार भारत की सरकार अगर उनके जीवन को सुधारने के लिए जीवन को संवारने के लिए कुछ कदम उठाती और ये भ्रांति फैला रहे हैं कि 2 करोड़ आ जाएंगे 4 करोड़ आ जाएंगे जो लोग पहले से ही भारत में रह रहे हैं। 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग आ चुके हैं उनके लिए ये दी जा रही है, नए इनवाइट नहीं कर रहे हैं और उन पर ये अगर उनके जीवन को सुधारने का कोई स्टेप हो रहा है उनके जीवन में अगर कहीं रोशनी आ रही है तो इससे इनको क्या तकलीफ हो रही है और इस देश के 130 करोड़ भारतवासियों को इससे कहीं किसी भी प्रकार की कोई उनकी नागरिकता पर या उनके वर्तमान स्टेटस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो। लेकिन ये जानते हुए समझते हुए भ्रांति फैलाकर भोले भाले लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं या तुष्टीकरण के नाम पर कुछ वर्ग को में अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये विरोध नहीं है, ये विद्रोह और ये अराजकता का कार्य कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए देश का वातावरण खराब कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार के जन जागरण अभियान की आवश्यकता पड़ी है और हमने इस प्रकार की ये घर घर संपर्क की योजना बनाई है जिसमें 3 करोड़ परिवारों तक हमारा लक्ष्य है कि हम पहुंचे। मैंने छोटी सी बात अपनी कहनी थी वो आपके सामने रखी है, बाकी आपके कोई सवाल हो तो। नहीं, प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने सब कार्यक्रमों का जिस प्रकार से जहां कार्यक्रम जाते हैं इस जन जागरण के अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया ही है और कल भी उन्होंने इसको बड़ी स्पष्टता के साथ इस विषय पर बोला है। बाकी माननीय प्रधानमंत्री जी के अलावा बाकी सब नेताओं के हमने कार्यक्रम अभी बनाए हैं, मैं आपको अभी सूची दे दूंगा। माननीय अमित शाह जी दिल्ली से, नड्डा जी गाजियाबाद से, राजनाथ जी लखनऊ से और गडकरी जी नागपुर से, निर्मला जी जयपुर से, थावरचंद जी रायपुर से, ऐसे तमाम सब हमने सब बड़े नेताओं के कार्यक्रम बना दिए हैं। अभी मैं आपको उसकी कॉपी दे देता हूं और वो इस प्रकार के हमने लॉन्चिंग रखी है। नहीं नहीं, घर घर जाएंगे, ये घर घर जाने का है, कम से कम 10 घरों में जाए पर्चे लेकर व्यवस्था लेकर और वहां से मिस्ड कॉल जो नंबर मिला है टोल फ्री नंबर उस पर मिस्ड कॉल कराएं, ये आग्रह है हमारा और उसके चित्र हम इंडिया सपोर्ट्स CA #, इस पर जारी करें। इस प्रकार की ये सूची मुझे दे देना आरपी सिंह। अभी दिल्ली में कार्यक्रम उनका बन रहा है, आपको इसकी अभी हमने सब स्टेट्स को नेता बता दिए कि ये नेता वहां आने वाले हैं, स्टेट्स अपने कहां कहां किस किस स्थान पर क्या स्वरूप है वो स्टेट्स इसको आगे बताएंगे, वो मुझे दिल्ली के स्तर पर दिल्ली के स्टेट के लोग बताएंगे। देखिए मैं बहुत स्पष्टता से जो NRC की बात है, एक तो ये CAA में NRC नहीं है, CA और NRC जुड़े नहीं है, CAA केवल जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के कारण से इन अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो वहां के अल्पसंख्यक जो वहां के माइनॉरिटीज हैं उनके लिए CAA है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरा, NRC अभी है नहीं इसलिए NRC पर कोई चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है और NRC जब आएगी तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, क्योंकि NRC हमारे घोषणा पत्र में है, लेकिन NRC जब आएगी तो हम उसकी विधिवत पूरे देश भर में चर्चा कर इसको लागू करने की जब बात आएगी तब करेंगे। समाज के लोग कर रहे हैं तो क्या जो फोकस रहेगा वो अल्पसंख्यकों पर रहेगा या फिर
देखिए फोकस सब वर्गों पर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज को भड़काने का, उनमें डर बिठाने का, उनमें भ्रांति फैलाने का काम ये जो अन्य लोग हैं वो पर्दे के पीछे या सामने कर रहे हैं, उनको भी समझाने की जरूरत है। अल्पसंख्यक समाज में भी निश्चित रूप से बहुत समझ आ रही कि वो मोहरा बन रहे हैं, इसलिए वो विड्रॉ करने लगे देश भर में। कहीं ना कहीं ये भावनाओं को भड़काकर राजनीतिक रोटी सेकने का जो काम कर रहे हैं अल्पसंख्यक समाज का, मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के नाते पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि किसी भी इस भारतवर्ष के किसी भी मुस्लिम नागरिक के साथ एनआरसी हो, एनपीआर हो या किसी भी प्रकार की व्यवस्थाएं आती हैं, कोई भी खतरा किसी भी प्रकार का नहीं हो सकता। यह संविधान इसकी चिंता करेगा और संविधान सर्वोपरि है, इस देश का धर्म एक ही है, वो संविधान है। देखिए ये मैंने पहले ही जैसे कहा कि इनको संवेदनशीलता इनकी मर गई है। जो लोग जुल्म के सताए हुए लोग हैं उनको अगर कुछ सहूलियत दे दी जा रही है तो इनको पेट में दर्द हो रहा है, एक बात। और इसी को ये सांप्रदायिक रूप देना चाहते हैं और कहीं भगवा कहकर, कहीं यहाँ के मुसलमानों में भ्रांति फैलाकर ये देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। और देश की जनता अब इनको समझ गई है, अब इनके किसी भी बहकाने में आने वाली नहीं है, इस बात की स्पष्टता देश की जनता को हो रही है। देखिए इस किस शासन में क्या हुआ है और क्या स्टेटिस्टिक्स है, कम से कम इतनी संवेदनशीलता रखें कि अगर 100 से ज्यादा बच्चे एक अस्पताल में एक महीने में मरे हैं और उसमें कहां खामियां हैं, उन खामियों को दूर कर इस बात को एक्सेप्ट करें रादर देन कि किस शासन काल में कितने पीरियड में कितने बच्चे मरे हैं, इस बात को कहने का यह मौका नहीं है। इन माताओं के लिए जिनके बच्चे मरे हैं उनके लिए इससे सांत्वना नहीं होगी। ये राजनीतिक बातें बंद करें, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है इसके इसको चिन्हित करें, जिम्मेदारी तय करें। स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी ने उनकी लताड़ लगाई है, अब कम से कम इस तरह के बयान देकर राजनीतिक दृष्टि से और जिनके बच्चे गए हैं उनके उनके घावों पर नमक न छिड़कें। देखिए ये इस तरह के घिनौने काम करने वाले लोगों के प्रति जो इस देश के प्रखर राष्ट्रभक्त जिन्होंने अंडमान में अपनी जिंदगी गुजारी, कितने लोगों ने जो लोग ये आवाज उठाते हैं और जिस प्रकार की ये संगठन चलाते हैं उनमें से कोई एक नेता था ऐसा जिसने इतनी इतनी यात्राएं सहन की इस मातृभूमि के कारण, इस राष्ट्रभूमि के लिए, और इसके सारे इतिहास को जिन्होंने कलंकित किया, स्वतंत्र समर को जो गदर कहने वाले लोग, इन वो सावरकर से उनकी तुलना होगी क्या? सावरकर ही ऐसे थे जिन्होंने 1857 के स्वतंत्र संग्राम को पहला स्वतंत्र समर कहा और उसको लोग गदर करके पढ़ाते थे। सावरकर से इनकी तुलना हो सकती है? कहीं कल्पना की जा सकती है इनकी? जो सावरकर पर उंगली उठाते हैं, अब मैं कौन कौन नेता किस किस के किससे कैसे कैसे संबंध रहे हैं और कहां कहां रहे हैं कांग्रेस में, ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन मैं इन बातों को, इस गंदगी उछालकर जो अतर्क कुतर्क करके और तथ्य से परे ऐसी चीजें फैलाकर कांग्रेस किस नीचता पर उतर आई है, कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर सावरकर के बारे में इस तरह की टिप्पणी वो किस मुंह से करते हैं। कांग्रेस के लिए केवल और केवल गांधी परिवार, एक परिवार के अलावा
कोई पूजनीय नहीं है, इन्होंने सबका मान गिराने की कोशिश करी, सरदार पटेल का मान गिराने की कोशिश करी, इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का मान गिराने की कोशिश करी, सावरकर के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सारा देश जानता है कि कितनी कुर्बानियां इन्होंने की है और कितनी बाकी सब काम किए, मैं उसको कहना नहीं चाहता। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये कहीं ना कहीं जिनके बच्चे मरे हैं उन परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़केगा, क्योंकि ऐसे स्वागत और ग्रीन बिछाना अभी भी वहां की सरकार को और वहां के लोगों को समझ में नहीं कि संवेदनशीलता क्या होती है, समाज में लोगों के बच्चे मर रहे हैं और ये उसी अस्पताल में अपना स्वागत कराने के लिए ग्रीन कार्पेट निकलवा रहे हैं, अगर ऐसा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे अनिल जैन को, कह रहे हैं पशुता की हद तक संवेदनहीन हो गई है कांग्रेस, सीएए को लेकर बीजेपी देशव्यापी कार्यक्रमों का आयोजन क्यों कर रही है इसको लेकर वो बात कर रहे हैं और सीएए के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया, उन्होंने वाम दलों पर भी आरोप लगाया और कह रहे हैं कि सीएए को कांग्रेस ने राजनीतिक मुद्दा बना लिया है, जबकि ये बापू का ख्वाब था, बापू का सपना था जो अब बीजेपी पूरा कर रही है। जन जागरण अभियान में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे, ये भी इस दौरान उन्होंने कहा है। तो सीएए के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है। आपको पता है कि बीजेपी ने देशव्यापी जन जागरण अभियान चलाने का मन बनाया है और उसी को लेकर जानकारी साझा कर रहे थे अनिल जैन।